हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिनेश। आज आप लोगों को अपेंडिक्स के बारे में बताएंगे। तो अपेंडिक्स कैंसर सिस्टम है और अपेंडिक्स का हमें वैदिक मेडिसिन भी आज आप लोगों को बताएंगे। तो अपेंडिक्स में छोटी आँख या बड़ी आँख यहाँ पर बनती है, वहाँ दून से उसी को अपेंडिक्स बोलते हैं। और जब उसमें सूजन हो जाता है तो उसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो ये अपेंडिक्स पेट के दाहिने साइड नाभि के नीचे होता है और उसमें बहुत भयानक तेज दर्द होता है। तो इसका एलोपैथिक में भी ट्रीटमेंट है और होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है कि इसे ऑपरेशन करवा के उस अंग को निकलवा लेते हैं, और होम्योपैथिक में होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसको धीरे धीरे ठीक करता है। तो होम्योपैथिक में मेडिसिन बहुत सारा है। अब जैसे ब्रानिया है, बेलाडोना है, आयरिस्टेनिक्स है, डायस्कोरिया है, लाइकोपोडियम है, तो बहुत सारा अपेंडिक्स का मेडिसिन है। लेकिन होम्योपैथी साइन और सिम्टम पर जिंदा है। ऐसे माय पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हम एक दवा बताने जा रहे हैं आयरिस्टेनिक्स। इसका सिम्टम है कि आप इस दवा को चला दे सकते हैं जब ऐसा सिम्टम मिले तब। उसमें होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द, असहनीय दर्द, सुबह तक नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा दर्द है तो आयरिस्टेनिक्स चलाएं। तो बहुत शुरुआती दौर में बहुत ही बेटर काम करती है, 4 बजे सुबह 4 बजे शाम। बेलाडोना उसके बाद दवाई आती है, उसमें भी होता है कि ऐसा नहीं दर्द है लेकिन आप पैर मोड़ के सोते हैं, पीठ के बल थोड़ी सी आराम मिलती है, सर में तपकन है, उल्टी भी उसमें होता है बेलाडोना में। ऐसे मलसोल है, लाइकोपोडियम है, डायस्कोरिया है, इतना सारा सिम्टम बताएंगे तो आप खुद मिस्टेक कर जाइए कौन सा दवाई चलाएं। लेकिन ऐसे अपना माइक पॉइंट है तो आयरिस्टेनिक्स बताते हैं कि शुरुआती दौर का अपेंडिक्स अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आयरिस्टेनिक्स सिंगल मेडिसिन जब भी चलाएं तो सुबह 4 बजे शाम के 4 बजे अब इसे आराम मिलता है तो आगे चलाएं। और फिर उसके बाद अपने नज़दीक के फिजिशियन जा कर के परामर्श भी ले सकते हैं इस दवा को हम और कितना आगे बढ़ाएं। और अगर इससे ठीक नहीं होता है तो आप बेलाडोना भी खुद यूज कर चला सकते हैं कि बेलाडोना अगर सूट करता है तो बेलाडोना खाइए। लेकिन उसमें भी होता है कोई भी मेडिसिन अपने तो आपने नज़दीक के फिजिशियन जा कर के थोड़ा सा सलाह भी इसको ले लें कि नहीं ये दवाई हमको ठीक कर रहा है तो आगे हम क्या कितना दिन तक खाएं। ऐसे आयरिस्टेनिक्स और बेलाडोना ये अपेंडिक्स में बहुत ही बेटर मेडिसिन काम करती है। और बहुत सारे मेडिसिन है, डायस्कोरिया, लाइकोपोडियम, मेलासोल। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि उसमें होता है कि बस पेशेंट जो बोल रहा है कि पेट में दर्द है तो हो सकता है गैस की वजह से भी दर्द, बहुत सारा देखा जाता है। इसे एग्जैक्ट को नहीं बता सकते हैं कि अब वही चीज़ है तो देखने के बाद ही पता चलता है कि नहीं ये अपेंडिक्स है या सिम्टम मिल रहा है। तो खुद बात करना थोड़ा सा दिक्कत है। अगर ऐसा लगता है तो आयरिस्टेनिक्स और बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।